प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज का दिन। आपके वचन को जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि ज्ञान को सब कुछ परमेश्वर हम तेरे हाथों में हम देना चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें। आपके वचनों को ध्यान करने के समय में हमारे आत्मा हमारे मन को ताकत देकर परमेश्वर आप में बने रहने के लिए, आप में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए मैंने एक विषय को लिया है और उस विषय के ऊपर हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। वो विषय कौन सा है? वो विषय है फाइव पिलर्स ऑफ विक्टोरियस लाइफ। पांच पिलर या पांच वो मजबूत इमारतें या वो मजबूत पिलर एक विजयशाली जिंदगी जीने के लिए। जी हाँ, फाइव पिलर्स ऑफ द विक्टोरियस लाइफ। जब हम एक घर को देखते हैं, उस घर को मजबूत रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुनियाद स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो पिलर्स रहता है वो पिलर्स मजबूत रहना है और पिलर्स रहना जरूरी है, तब जाकर एक घर मजबूत रहेगा। तब जाकर एक घर मतलब फ्लोर के ऊपर फ्लोर हम लोग बांध सकते हैं। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। जब हमारा आत्मिक जीवन का बुनियाद स्ट्रांग रहेगा और हमारे आत्मिक जीवन का पिलर्स जब मजबूत रहेगा और जब पिलर्स रहेंगे, हम फ्लोर के ऊपर फ्लोर यानी हर एक स्टेप बाय स्टेप आत्मिक जीवन में रहने दो, मानसिक जीवन में रहने दो, हम हर एरिया में दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आज का दिन मैं आप लोगों को पांच पिलर्स को आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। आइए वो फाइव पिलर्स क्या है एक विजयशाली का जिंदगी जीने के लिए, एक आशीष का जिंदगी जीने के लिए, एक विजयशाली का एक सक्सेस जिंदगी जीने के लिए वो फाइव पिलर्स कौन सा है। और ये फाइव पिलर्स के ऊपर जब हम लोग मनन करेंगे, हम हर पिलर के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरे परमेश्वर ये पिलर मेरे जिंदगी में रहें ताकि मैं दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जाऊं और एक विजयशाली का जिंदगी में जीऊं। जब हमारे चारों ओर हार का जिंदगी है, चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अहंकार है, चारों ओर मुसीबत है, मगर मेरे प्यारों इस एक अंधकार के बीच में भी एक विश्वासी विजयशाली का जिंदगी जी सकता है। हालेलुया। जी हाँ, मुसीबतों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी, अकाल के बीच में भी एक विश्वासी ये फाइव पिलर के ऊपर जब वो ध्यान करेगा, उसका जीवन विजयशाली का जिंदगी रहेगा। हमारा परमेश्वर विजयशाली है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारों, आइए हम ये फाइव पिलर को एक के बाद एक ध्यान करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये फाइव पिलर्स में मेरा जिंदगी मजबूत होने के लिए मदद कर ताकि मैं एक विजयशाली का जिंदगी मैं जी सकूं। हालेलुया। सो पहला पिलर कौन सा है? आपका और मेरा जीवन विजयशाली होने के लिए, आपका और मेरा जीवन अंधकार में भी, अकाल में भी, मुसीबत में भी अगर एक विजयशाली जिंदगी जीना है, सो पहला पिलर कौन सा है? वो पहला पिलर है रिपेंटेंस, पश्चाताप। जी हाँ मेरे प्यारों, आप सही सुन रहे हैं, पश्चाताप। हालेलुया। आपका जीवन और मेरा जीवन एक पश्चाताप का जीवन रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 3:8 में, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि पश्चाताप करो और आत्मा का फल लेके आओ, पश्चाताप का फल लेके आओ।
पश्चाताप, रिपेंटेंस। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो पश्चाताप के बारे में बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंट? इसका मतलब है पश्चाताप करना, मन फिराना। पश्चाताप का मतलब है टर्न होना, यानी परमेश्वर के पास वापस आना। पहला दुनिया के पीछे जाते थे, पहला दुनिया के चीजों के पीछे जाते थे, पहला दुनिया के इस एक शोहरत या इस एक इस एक रोशनी के पीछे जाते थे, मगर हमें जब हम लोग पश्चाताप करेंगे, हमें वापस परमेश्वर के पास आना है। टर्न, हालेलुया, यू टर्न करना है परमेश्वर के पास। आमेन। वापस पश्चाताप करना है। मार्कुस के सुसमाचार में पहला अध्याय 15 वचन में देखते हैं, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर जब वो निकलते हैं, वो कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब है मन फिराना। पश्चाताप का मतलब है स्वभाव में परिवर्तन को लेके आना। पश्चाताप का मतलब है कि हमारी नजर बस परमेश्वर के ऊपर रखना। पश्चाताप का मतलब है, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे कपड़े नहीं मगर हृदय को फाड़ो। हालेलुया। निनवे का शहर पश्चाताप किया, परमेश्वर के क्रोध से वो लोग बच गए। आमेन। पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध से तुझे बचाता है। पश्चाताप परमेश्वर के उस एक न्याय, उस एक क्रोध से तुझे और मुझे बचाता है। पश्चाताप वो है जो पहला पिलर, हमें अगर विजयशाली होना है जिंदगी में, अगर हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में, आशीष का जिंदगी अगर जीना है जिंदगी में, अगर हमें एक प्रॉस्पेरिटी का लाइफ जीना है जिंदगी में, अगर एक विजयशाली जिंदगी जीना है, तो पहला पिलर पश्चाताप है, रिपेंटेंस। हालेलुया। पश्चाताप करो, ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को, मेरे कमजोरियों को क्षमा कर, पश्चाताप करो। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे नाम धरे हुए मेरे लोग वो मन फिराएंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं उन्हें चंगा करूंगा। मन फिराना है। पश्चाताप का मतलब है मन फिराना। आप और मैं जब पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु हमें चंगा करेगा। आप और मैं जब पश्चाताप करेंगे, दाऊद कहता है, मेरे मुझ में एक नयापन को शुरू कर परमेश्वर, ओ मेरा हृदय को नया कर, बोल के दाऊद वहां पे प्रार्थना कर रहा है। पश्चाताप मेरे प्यारो, हालेलुया। रिपेंटेंस, टर्न टू गॉड, टर्न योर एटीट्यूड, आदतों में बदलावट, स्वभाव में बदलावट। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब है परमेश्वर ही मेरे नजर के सामने रहना, मैं नहीं। पश्चाताप का मतलब है अपनी नजर बस यीशु के ऊपर रखना, उसकी महिमा करना। पश्चाताप का मतलब है अपने आप को जमीन पे लेके आना। आमेन। हालेलुया। द फर्स्ट पिलर पश्चाताप। पर मैं जब पश्चाताप करेंगे, हम एक विजयशाली का जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमारी प्रार्थना सुनेगा। आमेन। प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पश्चाताप मेरे अंदर पैदा होना है, प्रभु पश्चाताप के साथ मुझे प्रार्थना करना है। पश्चाताप, रिपेंटेंस। द सेकेंड पिलर, व्हाट इज द सेकेंड पिलर? द सेकेंड पिलर इज प्रेयर। हालेलुया। द फर्स्ट पिलर पश्चाताप, द सेकेंड पिलर प्रेयर, प्रार्थना जीवन। प्रार्थना जीवन आपका और मेरा सांस है। सांस अगर रुक गया, श्वास अगर रुक गया, ब्रीथ अगर रुक गया, हम मर जाएंगे। प्रार्थना के बगैर एक विश्वासी मर जाता है, मरा हुआ कहलाता है। प्रार्थना के बगैर कोई भी विश्वासी एक विजयशाली का जिंदगी वो जी नहीं सकता। आराधना कितना भी करें, कितना भी प्रोग्राम्स करें, कितना भी रिवाइवल मीटिंग्स करें, कितने भी बड़े बड़े स्टेज के ऊपर आराधना, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। किसी ने कहा है, प्रार्थना करने वाले के सामने शैतान रुक नहीं सकता। हालेलुया। जी हाँ, शैतान बोलते हैं तू गाना गा, मस्त गाओ, आराम से गाओ, चलेगा, मगर आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, शैतान कांपेगा। आमीन। प्रार्थना, हालेलुया। जी हाँ मेरे ऊपर, आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, शैतान कांपेगा। ओ परमेश्वर का सेवक कहते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, शक्ति मिलेगी। एक आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है, आत्मिक जीवन में एक विजयशाली का जीवन अगर जीना है, प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। आज कई लोग अपने कामों में, सेवकाई में बहुत व्यस्त रहते हैं, मगर प्रार्थना
प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना के बगैर हम विजयशाली का जीवन जी नहीं सकते। जी हाँ, कई बार हमारे जीवन में जब प्रार्थना जीवन कमजोर होता है, शैतान प्रवेश होने के लिए उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। प्रार्थना वो है जो शैतान के लिए दरवाजा बंद कर देता है। प्रार्थना वो है जो शैतान के कामों के लिए दरवाजा बंद कर देता है। प्रार्थना वो है जो अंधेरे के लिए दरवाजा बंद कर देता है। और प्रार्थना वो है जो प्रभु के करीब लेके जाता है। आमेन। मार्कुस 14 और 38 में परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आखिरी दिनों में आप और मैं जी रहे हैं मेरे प्यारों। इस आखिरी दिनों में एक ही शस्त्र है आपके और मेरे पास, अगर विजयशाली का जीवन जीना है। दुनिया अहंकार में है, दुनिया निराशा में है, दुनिया डर है, दुनिया में चिंताएं हैं, दुनिया में अकाल है। अगर आप और मैं एक विजयशाली का जीवन अगर जीना है, सिर्फ एक है कि प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रार्थना है वो विजयशाली रहेगा। प्रार्थना अहंकार को नीचे लेके आता है। प्रार्थना जलन के जीवन से आजाद कर देता है। आमेन। प्रार्थना प्रभु के करीब लेके जाता है। प्रार्थना यीशु के जैसा बनने के लिए हमें मदद करता है। आज कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं मगर उनके अंदर घमंड है, प्रार्थना कर रहे हैं उनके अंदर जलन है, प्रार्थना कर रहे हैं मगर वो कहते हैं कि मैं, मेरा नाम, मुझे दिखना है। नो, जो प्रार्थना करता है वो यीशु के स्वभाव के करीब जाता है। जो प्रार्थना करता है वो यीशु के जैसा दिखता है। जो प्रार्थना करता है यीशु का स्वभाव उसके अंदर आता है, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के करीब रहना। हालेलुया। आमेन। लूका 21:36 में परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी दिनों में ये सारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर अचानक आ पड़ेगी, इसीलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जी हाँ, ये जो वायरस है अचानक आया, ये मुसीबतें हैं अचानक आएंगे, नौकरी चला गया अचानक हो गया, इन अचानक 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 के इन हालातों में जब आप और मैं जी रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात है आपको और मुझे स्थिर कर सकता है, वो है प्रार्थना जीवन, परमेश्वर के करीब रहना, प्रार्थना यीशु के स्वभाव में हमें बना रहना, प्रार्थना जीवन। हालेलुया। प्रार्थना मेरे प्यारों, आमेन। प्रार्थना दरवाजे को खोलता है। क्या आपके जीवन में आशीषों का दरवाजा बंद है? क्या आपके जीवन में चंगाई का दरवाजा बंद है? क्या आपके जीवन में चमत्कारों के लिए दरवाजा बंद है? आज ही प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, दरवाजे खुल जाएंगे। आमेन। हालेलुया। एक दिन भक्त सिंह जी घर में थे और अचानक इनकम टैक्स वाले उनके घर के पास आए और कहने लगे, आप हर संडे हजारों को कैसे खाना खिला रहे हो? हमको लगता है कि आपके कपाट के अंदर या आपके गोदरेज के अंदर बहुत पैसा है, चाबी दो। भक्त सिंह ने चाबी दे दिया और ये लोग ने जाकर कपाट खोलने के लिए कोशिश किया मगर खुल नहीं रहा। वो लोग बताते हैं, भक्त सिंह जी आपका चाबी नहीं खुल रहा है। जब भक्त सिंह कहते हैं चाबी दे दो, चाबी लिया और उन्होंने प्रार्थना किया और कहा दरवाजा खुल जाए, और जब वो लोगों ने चाबी वापस डाला दरवाजा खुल गया। और जब दरवाजा खुला उन्हें पैसा नहीं मिला, उन्हें बाइबल मिला। हालेलुया। प्रार्थना दरवाजे को खोलता है। आमेन। प्रार्थना चमत्कार करता है। प्रार्थना, दानियेल का प्रार्थना उसे बचाया। आमेन। द प्रेयर ऑफ दानियेल प्रोटेक्टेड हिम। प्रार्थना तुझे बचाता है, प्रार्थना मुझे बचाता है। हालेलुया। आमेन। सो फर्स्ट पिलर जो है वो है पश्चाताप, और दूसरा पिलर जो है वो है प्रार्थना जीवन। आमेन। और तीसरा पिलर जो है आपका और मेरा, हम अगर विजयशाली का जिंदगी जीना है, एक यशस्वी का जिंदगी जीना है, एक सक्सेसफुल का जीवन जीना है, आशीष भरा कर जीवन जीना है, तो थर्ड पिलर है वो है उपवास। आमेन। हालेलुया। फास्टिंग। आमेन। सिर्फ प्रेयर से अभी काफी नहीं है, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना है। फास्टिंग। हालेलुया। फास्टिंग जो है, ये जो टॉपिक है बहुत लंबा है, अगर उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। मगर उपवास वो है मेरे प्यारों, अपना शरीर को मार कर आत्मा में बढ़ना। Crushing the physical body, increasing the spiritual life. Amen. That is what the fasting. Amen. The third pillar, fasting है। उपवास वो है जो शैतान को हिला देता है,
जब आप और मैं उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, शैतान हिलेगा। प्रार्थना करने से शैतान डरेगा, उपवास के साथ प्रार्थना करने से शैतान जल जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे प्यारो, उपवास के साथ प्रार्थना करना है, उपवास, फास्टिंग। यीशु ने कहा ऐसे दुष्ट आत्माएं सिर्फ प्रार्थना से नहीं जाएगा, उपवास और प्रार्थना से जाएगा। हालेलुया, जी हाँ, उपवास का प्रार्थना जीवन, उपवास का जो जीवन है वो मतलब जिद्द दुष्ट आत्माओं को भगा देता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं रहते हैं जो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा, इधर ही रहूंगा, मगर आप और मैं जब उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे वो भाग जाएगा। हालेलुया, आमीन। उपवास के साथ प्रार्थना करना है, जो तकलीफ से तकलीफ, तकलीफ जो मुसीबत भी हल हो जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू सी द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, ओनली वन थिंग इज दैट इज अ फास्टिंग एंड प्रेयर। Amen. Only fasting and prayer will solve all your problem. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद। उपवास का जीवन, Amen. उपवास का जीवन विजय को लेके आता है। If you have a fasting prayer life, you will see victory. उपवास का जीवन, उपवास और प्रार्थना का जो जीवन है वो विजय को देखता है। Hallelujah. और उपवास के साथ जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। दानियल ने उपवास के साथ प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का जवाब आ गया। हालेलुया, आप और मैं जब उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, आप और मैं जब उपवास के साथ रहकर इस शरीर को मारकर प्रभु के चरणों में हम जब प्रार्थना करेंगे, आप जो भी प्रार्थना करोगे ओ परमेश्वर उसका जवाब दे देगा। क्या आज आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है? क्या आज आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? क्या आज आपके जीवन में ऐसे दुष्ट आत्माएं जो जाने का नाम नहीं ले रहा है? आज ही उपवास के साथ प्रार्थना करो, आज ही उपवास में रहकर प्रार्थना करो, आज ही फास्टिंग लेकर प्रार्थना करो। आप चमत्कार को देखोगे, आप विजय को देखोगे, आप सक्सेस को देखोगे, दुष्ट आत्माएं भागते हुए देखोगे। जो जवाब नहीं मिल रहा है प्रार्थनाओं का, वो जवाब आपके पास जल्दी से आने के लिए जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद। द फोर्थ पिल्लर, हालेलुया, द फोर्थ पिल्लर। आप लोग इन वचनों के ऊपर, इस टॉपिक्स के ऊपर और भी ध्यान कर सकते हैं। द फोर्थ पिल्लर, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन। द फोर्थ पिल्लर, परमेश्वर का वचन, वर्ड, वर्ड, वर्ड। आमीन। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और जब शैतान के साथ परीक्षा लेने के लिए जब वो जंगल में गया, आमीन, यीशु मसीह किस तरह शैतान का सामना कर रहे हैं? वचन के द्वारा। भजन संहिता 107:19-20 में लिखा हुआ है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। आमीन। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कायनात का निर्माण किया, सृष्टि को बनाया। आमीन, हालेलुया। योहन्ना 1:1 में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर है। जी हाँ, अगर आप और मैं एक विजयशाली का जीवन अगर जीना है, द फोर्थ पिलर जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, अगर आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, वचन के साथ उसका सामना करो, बीमारी चला जाएगा। हालेलुया, वचन, वचन आपके, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरे अंदर और मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहेगा, तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। वचन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, वचन हमारे भीतर जाना है। आज कई लोग बाइबल पढ़ते हैं ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं बुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं। बाइबल, वचन आपका बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, मगर वचन जो है वो हमारे अंदरूनी जिंदगी बदलने के लिए है। Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल को ज्ञान के लिए मत पढ़िए, बाइबल को परिवर्तन के लिए पढ़िए, जरूर परिवर्तन हो जाएगा। वचन जब आपके और मेरे अंदर रहेगा, आज कई लोग चंगाई के पीछे भाग रहे, चमत्कारों के पीछे भाग रहे, चंगाई होएगा। हम उस चंगाई चमत्कारों के पीछे नहीं है, भविष्यवाणी के पीछे नहीं, हम उसके विरोध नहीं है, वो हो जाएगा, मगर वचन सबसे इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे, उसके नाम से भी ऊपर रखा है। वचन, जो वचन को ध्यान करेगा वो आशीष का पेड़ बनेगा, वो पेड़ जो फल लेके आएगा। वचन तेरे मेरे अंदर रहना जरूरी है। हर हालातों का सामना वचन के द्वारा करें, बीमारी का सामना वचन के द्वारा करें, मुसीबत का सामना वचन के द्वारा करें। परमेश्वर का वचन को ले लो, शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम से। द फोर्थ पिलर, परमेश्वर का वचन।
पांचवा द लास्ट पिलर और मेरा प्रचार का ये कंक्लूशन में मैं आ रहा हूँ. पांचवा पिलर द फिफ्थ पिलर द फिफ्थ पिलर सो इम्पॉर्टेंट. इसके बगैर कुछ नहीं है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. वो फिफ्थ पिलर है यीशु का नाम. हालेलुया द नेम ऑफ जीसस. आमेन. इब्रानी पहला अध्याय पहला वचन में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने पहला राजाओं के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की मगर इन आखिरी दिनों में पिता पुत्र यानी यीशु के द्वारा पुत्र के द्वारा हमसे बातें कर रहा है. इन आखिरी दिनों में यीशु के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है. हालेलुया द फिफ्थ पिलर. इफ यू वांट टू सी अ विक्टोरियस लाइफ, if you want to see a successful life, एक विजयशाली का जीवन अगर जीना है, विजयशाली का जीवन अगर देखना है, एक आशीष का जीवन अगर देखना है, fifth pillar जो बहुत important है, वो है यीशु का नाम. उसका नाम मेरे लिए गढ़ है, वही मेरे लिए सुरक्षा है. हालेलुया. फिलिपी 2:9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने वो यीशु का नाम सबसे ऊंचा रखा है, हर नाम के ऊपर यीशु का नाम है. हालेलुया. यीशु का नाम, यीशु के नाम में आपको विजय का जीवन जिएगा. चेले लोग कहते हैं ओ यीशु मसीह तेरे नाम से दुष्टात्मा भाग रहे हैं, तेरे नाम से बीमारियां चंगे हो रहे. जी हाँ, यीशु के नाम से दुष्टात्माएं भागते हैं, यीशु के नाम से चंगाइयां वो बीमारियां ठीक हो जाते हैं, यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं. यीशु का नाम प्रकाशित वाक्य में कहा गया है वही यीशु मसीह आखिरी दिनों का मोहरों को खोलने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. यीशु महान. श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है लाखों में मेरा वो पिया यीशु ही मेरा पिया, लाखों में मेरा वो पिया यीशु ही मेरा पिया है. और एक बात, लाखों में मेरा वो पिया यीशु ही मेरा पिया है, लाखों में मेरा प्रियतम यीशु है. हालेलुया. यीशु का नाम. भजन संहिता 2:12 में प्रभु का वचन कहता है पुत्र को चुमो वरना पिता का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा. द फिफ्थ पिलर मेरे प्यारो यीशु का नाम. यीशु का नाम आपकी जुबान पे रहना है, यीशु का नाम से हर काम करना, यीशु के नाम लेकर आगे बढ़ना, यीशु के नाम के ऊपर नजर रखना, यीशु के नाम का गीत गाना. आज कई आराधक लोग हैं जो गीत तो गाते हैं सुसमाचार के मगर यीशु का नाम उसके अंदर नहीं रहता. वो गीत ही क्या जिसके अंदर यीशु का नाम नहीं है, वो प्रचार ही क्या जिसके अंदर यीशु का नाम नहीं है, वो जिंदगी ही क्या जिसके अंदर यीशु का नाम नहीं है. यीशु का नाम स्वर्ग में सबसे ऊंचा नाम, यीशु का धरती पे सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम. हालेलुया. 5 pillars इन द कंक्लूशन. वापस फिर एक बार द पहला पिलर है पश्चाताप, पश्चाताप. द सेकंड पिलर है प्रार्थना जीवन. द थर्ड पिलर फास्टिंग उपवास. द फोर्थ पिलर परमेश्वर का वचन बाइबल. द फिफ्थ पिलर यीशु का नाम. अगर ये 5 pillars आपके और मेरे जीवन में रहेगा आप और मैं एक विजयशाली का जीवन जी सकते हैं. परमेश्वर देखना चाहता है आपका और मेरा जीवन विजयशाली का जीवन रहे. प्रभु देखना चाहता है कि आपका और मेरा जीवन एक सक्सेसफुल जिंदगी रहे, एक आशीष का जिंदगी रहे, एक 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 खिलता हुआ जिंदगी रहे. अगर ऐसा रहना है ये 5 pillars के ऊपर ध्यान कीजिए, परमेश्वर आप लोगों को और भी आशीष देगा. पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अनुनता आपके ऊपर हमेशा बनी रहे. आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपके साथ रहे.